चैप्टर नेम है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लास 12, सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडी। इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था ऑन टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमने बहुत सारे 6 टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था कि किस किन बेसिस पर हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इम्पोर्टेंस है, बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जो डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका बेस क्या होता है, उसको हम किस तरह से वो करते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है इसमें डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट environment means all the factors comma forces and institutions which have direct or indirect or indirect influences influence over the business directions. आगे कह रहा है इसमें जनरल एनवायरनमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशन इज द मोस्ट important dimension of business this environment as businessmen cannot
मैन कैन नॉट चेंज द चेंज द components of journal environment journal environment rather He has to change his plan and policies according to the change taking place in journal environment. Journal environment. तो कहने का मीनिंग यहाँ पर क्या है, जो कहना चाह रहा है हमारा बिजनेस में वो एवेंसेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारे वो कौन से क्षेत्र हैं जिनके बेसिस पर हमारा बिजनेस इफेक्टेड होता है। इसमें कह रहा है डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट मींस ऑल द फैक्टर्स फोर्सेस एंड द इंस्टीट्यूशन विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस ओवर द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस पर अपना इफेक्ट डालते हैं, उसको इफेक्टेड करते हैं, ठीक है। जनरल एनवायरनमेंट इज द मोस्ट important dimensions of the business environment as businessman cannot change the component of the general environment rather than he has changed his plans and policies according to the changing taking place in the general environment। कि कोई भी businessman जब तक अपने उसको plans और policies को change नहीं करेगा तब तक कि वो सारी चीज़ें उन सारे एनवायरनमेंट्स में चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमें अपनी प्लान्स और अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट हमें अपनी प्लान्स और पॉलिसीज को भी चेंज करना पड़ेगा, तभी हम उसको पॉजिटिव वे में लेकर के जा सकते हैं, अदरवाइज हम उनको पॉजिटिव वे में लेकर के नहीं जा सकते, ठीक है। तो जो कुछ हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं जो कि हमारे जनरल उसको इफेक्ट करते हैं, नंबर वन है हमारा फर्स्ट जो चेंजेस वो है एनवायरनमेंट डायमेंशन है, वो क्या है हमारा फर्स्ट डायमेंशन, नंबर वन जो डायमेंशन है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक है, पहला हमारा जो डायमेंशन है वो क्या है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है इसमें क्या कहना चाह रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ financial factors plus
लाइक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट्स चेंज इन द डिस्पोजल्स, disposable incomes, of people, stock market, value of rupees exchange rate etc. तो ये जो हमारा फर्स्ट डायमेंशन है वो क्या है, हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जो फर्स्ट डायमेंशन इफेक्टेड करता है हमारा, वो फैक्टर्स इफेक्टेड करता है, वो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। कॉमन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, जो ये कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियली चीज़ों को इफेक्टेड करता है। ठीक है, जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया, हमारा इन्फ्लेशन रेट्स हो गया, चार्जेस ऑफ द डिस्पोजल्स इनकम्स ऑफ द पीपल्स हो गया, स्टॉक मार्केट्स हो गया, वैल्यूज ऑफ द रुपीज का आ गया, एक्सचेंज रेट्स एक्सेट्रा। इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से हमारी बन करके आएंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करता है। अब हमारा नेक्स्ट और सेकेंड डायमेंशन है सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, सेकेंड जो डायमेंशन निकल कर आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या है, क्या कहना चाह रहा है इन सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू द सोसाइटी। तो कहने का मीन यहाँ पर क्या है, सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ factors like customs and relations, values, social trend, social trends and societies expect expectations from business
customs and trends. And traditions customs and traditions provides business opportunities तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट जो है वो हमारा डायरेक्टली इफेक्टेड करता है टू द सोसाइटी। इसमें कह रहा है सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स लाइक कस्टम्स एंड द ट्रेडिशंस वैल्यूज सोशल ट्रेंड्स सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बिजनेस एक्सेट्रा। कस्टम एंड ट्रेडिशंस प्रोवाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जो हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस है वो कहीं ना कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं। जो सोशल एनवायरनमेंट है वो हमारी सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो किस बेसिस पर ध्यान में रखनी है कि हमें अपने बिजनेस को सेटअप करना है तो वो किस बेसिस पर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द सोसाइटीज। सोसाइटी को हमें माइंड में रख करके हमें अपने बिजनेस को सेटअप करना है। और टाइम टू टाइम जो भी हमारे किसी भी जहाँ पर हमने अपने बिजनेस को सेटअप किया है, जिस एनवायरनमेंट में हमने बिजनेस को सेटअप किया है वहाँ पर बहुत सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस चलते हैं। उन कस्टम्स और परंपराओं को, उन सारी चीज़ों को माइंड में रख करके हमें अपने बिजनेस को करना है। और यही जो हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं ये हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं बिजनेस हमारे ये सोसाइटी में हमें बिजनेस को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पर हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके बेसिस पर हम इसको सही कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारा एग्जांपल सेलिब्रेशंस ऑफ द दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ द स्वीट्स, ठीक है, एंड ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा। जब हमारे इस तरह के कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो क्या है डिमांड बढ़ जाती है कि इनकी मिठाइयों वगैरह की या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह की, इस तरह की चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। किस पर? ऑन द फेस्टिवल्स, सब कुछ स्पेशल पर फेस्टिवल्स है, जैसे दिवाली है, ईद है, हमारा क्रिसमस है, ग्रुप ऑफ है, और जो ये कहीं ना कहीं हमारी डिमांड उसकी स्वीट्स वगैरह की डिमांड्स को बढ़ा देते हैं। तो ये स्पेशली हमारा उस टाइम में क्या होता है, मान लो जनरली हम जब स्वीट्स तैयार कर रहे हैं तो स्वीट्स वो जनरली स्वीट्स हमारे किस एक लिमिटेड उसमें जाएंगी, लेकिन उस टाइम में जो स्वीट्स की कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाएगी और उसका खपत भी बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में उस टाइम में एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट्स वगैरह प्रिपेयर करें, मैन्युफैक्चर करें और उसको मार्केट में सेल आउट करें। ठीक है, अगर हमारे पास में हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पर हम अपने आप को उसमें वो कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर अगर मान लो जिम्स वगैरह हम ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ हेल्थ ड्रिंक्स और कुछ इस तरह की चीज़ों को लेकर के हम अपनी बॉडी को अच्छा ग्रो कर सकते हैं बॉडी में। तो उसके लिए भी कुछ बहुत सारी चीज़ें बनकर आती हैं। तो ये ओवरऑल हमारी सोशल एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्टेड करती हैं और जिसके बेसिस पर हमारे इसमें डिमांड्स बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो किस तरह से हमारे बिजनेस को इफेक्टेड करता है उसके बारे में हम देखते हैं। टॉप पॉइंट है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या कहना चाह रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या कहना चाह रहा है पहले इसको देख लेते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिडर्स ऑफ फैक्टर कंसिडर्स ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल रिलेटेड टू पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ ए कंट्री इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट stability and attitude attitude अब देखो हमारा political environment क्या चीज को reflect कर रहा है. हमारा जो political environment है वो reflect कर रहा है about the पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसमें हमारे फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे कह रहा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स रिलेटेड टू द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ ए कंट्री. एक कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट स्टेबिलिटीज एंड द एटीट्यूड्स. ये गवर्नमेंट स्टेबिलिटीज और उसके एटीट्यूड्स को रिफ्लेक्ट करता है. जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, इन 1977 व्हेन जनता गवर्नमेंट कम्स इन पावर द मेड द पॉलिसीज टू सेंडिंग बैक ऑल द फॉरेन कंपनीज. एज द रिजल्ट ऑफ द कोका कोला कंपनी हैड टू क्लोज इट्स बिजनेस एंड लीव द कंट्री. तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब कोई भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारा इफेक्टेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स, तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ हमारे जो इफेक्ट्स आते हैं वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड करते हैं, जिससे हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट कुछ ना कुछ फर्क पड़ते हैं. ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बाद में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बाद में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ठीक है, तो फोर्थ हमारा जो आया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसमें क्या कहना चाह रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, इसको हम देख लेते हैं. इसमें कह रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ फैक्टर्स रिलेटिंग scientific
साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, एंड इनोवेशंस, विच लीड्स टू बेटर प्रोडक्शंस techniques and methods techniques and methods to produce goods. तो कहने का भी यहाँ पर क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि इन द टेक्निकल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स रिलेटिंग टू द साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट. जो साइंटिफिकली हमारा इम्प्रूवमेंट होता है कि हम टाइम टू टाइम नई नई चीज़ों की रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते हैं. तो जब हम नई नई चीज़ों की रिसर्च करते हैं और नई नई चीज़ों की खोज करके कोई ना कोई नई चीज़ लेकर के आते हैं, नई टेक्निक्स लेकर के आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्टेड तो करेगी. जैसे हमारा मशीनरीज है, अब हर टाइम में मशीनरीज हमारी अपडेटेड होकर के आती है. या हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा टेलीविज़न है या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हमारी बनकर आ रही, तो वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे जब उसमें अपडेशंस आते हैं, नई नई चीज़ें इनोवेटेड होकर के आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्टेड करती हैं, विच लीड्स टू द बेटर प्रोडक्शन टेक्निक्स. अब हमारी जो टेक्निक्स हैं, किसी भी मशीनरी को हमने प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस टाइम में हम एक उसी मशीनरी को कुछ हम अलग वे में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसी को और नया इनोवेटिव करके आया, नई चीज़ें उसमें निकल कर आई, नई चीज़ें एडअप होकर के आई, तो उसके बेसिस पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो और बेटर हो गया. तो ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन द टेक्नोलॉजीज हमारा बिजनेस भी चेंज होगा, ठीक है. एंड द मेथड ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स, हमारा जो गुड्स का मेथड है प्रोडक्शन का, वो भी चेंज होगा. तो ये क्या हमारा टेक्निकल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है. तो कहने का मीन्स ओवरऑल क्या है हमारा, तो ओवरऑल कहने का मीन्स क्या है, ये हमारे कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस हैं जिनके बेसिस पर हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्टेड होगा, ठीक है. और जो हमारे डायमेंशंस में चेंजेस आएंगे, चाहे वो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो, चाहे हमारा सोशल इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो, या फिर हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो, या फिर हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इफेक्ट हो, ठीक है. किसी भी चीज़ में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो उस चेंजेस के बेसिस पर हमारा जो बिजनेस है वो हमेशा इफेक्टेड होगा ही, ठीक है. लेकिन उन चेंजेस के बेसिस पर हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा और अपने उसमें चेंजेस लेकर के आना पड़ेगा. जैसे हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल चेंज आया था, तो वो कहीं ना कहीं हमें कंसिस्ट द फाइनेंशियल फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, हमें इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बता रहा है, इसका चेंजिंग इन द डिस्पोजल्स इनकम्स ऑफ द पीपल्स बता रहा है, स्टॉक मार्केट के बारे में हमें कर रहा है, एक्सचेंज रेट्स के बारे में बता रहा है कि एक्सचेंज रेट्स किस तरह से हमारे इन्फ्लुएंसेस होंगे या वो चेंजेस आएंगे उसमें. सोशल एनवायरनमेंट क्या है, सोशल एनवायरनमेंट हमारे सोसाइटी को डिफाइन करता है, ये सोसाइटी के बेसिस पर हमें बताता है कि किस तरह से जब चीज़ों में चेंजेस आते हैं तो कस्टम्स और उसमें चेंजेस आएंगे, तो हमें अपने आप को उस हिसाब से ट्रेंड में चेंजेस आने के बेसिस पर हमें अपने आप को अपडेटेड करना पड़ेगा. तो कहने का मीन्स क्या है कि सोशल एनवायरनमेंट, अब जैसे कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, तो फेस्टिवल पर क्या करना होता है हमें, जब जो भी फेस्टिवल होगा उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में डिमांड बढ़ेगी. जैसे अभी दिवाली का फेस्टिवल है, तो दिवाली के फेस्टिवल में लाइट्स वगैरह हैं, दिए हैं या हैंडमेड्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है, और उस टाइम में स्वीट्स वगैरह की भी डिमांड बढ़ जाती है. इसी तरह हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जब चेंजेस होता है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह में भी चेंजेस आता है. गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं. टेक्निकल एनवायरनमेंट जब हमारी टेक्निक्स में चेंज आएगा, तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाने पड़ेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल एनवायरनमेंट हमें हमारी नई टेक्निक्स आई हमारी बढ़ जाएगी. तो ये ओवरऑल हमारे डायमेंशन है
और